Yes, my dear student, first year student, why wonder? Yesterday I taught you important question related to God be praised. But today I'm talking about correction of verb. It's a correction of verb. Correction of verb related to future and future. I mean future indefinite and future continuous. First two form of the future. Future indefinite and future continuous. First of all, in this side, in this page, I have written few indication related to the future indefinite. In future indefinite, usually use the will shall. Usually use the will shall with the first form of the verb. With first form of the verb. And always keep in your mind, shall will be used with I will. Shall will be with I will. And rest of all mean he, she, and singular, plural, always use will. Okay? Shall will be with I will. Rest of all will. Yani I will ke sath shall lagta hai, baki sab ke sath will lagta hai. Aur verb ki mere bachcho always zehen mein rakhna pehli form mein. Ye kisme future indefinite mein phir bol deta hu. Future indefinite mein jiski nishani end mein ga ki ge hoti hai uske andar bachcho use hota hai will shall aur verb ki pehli. ओके लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर सब्जेक्ट आई भी हो तो शैल, अदरवाइज सबके साथ विल, अदरवाइज बच्चों सबके साथ विल. इसी तरह अब मैं नीचे बात करने लगा फ्यूचर कंटिन्यूस की. जो फ्यूचर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस शो करता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. आईएनजी वाली फॉर्म रहा मीन आईएनजी वाली फॉर्म. और इसके साथ विल उधर लगता था विल शैल, इधर विल भी शैल भी. क्या बच्चों? विल भी शैल भी. लेकिन उसी तरह आई कोई होगा तो शैल भी. अगर बाकी सब के साथ रेस्टों का विल भी मीन इन केस इफ द सब्जेक्ट इज आई भी यू हैव टू यूज. बच्चों यू हैव टू यूज शैल भी फॉर्म आईएनजी वाली. अगर इन केस यूज होगा मेरे बच्चों वी आई वी आई वी के अलावा ही शी इट यू दे प्लूरल तो फिर बच्चों विल और फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म आईएनजी वाली. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, जो फ्यूचर को शो करती है इंडिकेशन वर्ड वो है पांच बड़े पार्ट. टुमारो, नेक्स्ट डे, कमिंग डे, डे आफ्टर टुमारो, ओके, एंड इंडिकेशन ऑफ नेक्स्ट अगले दिन के लिए. वहां मोस्टली फ्यूचर यूज होता है. लेकिन फ्यूचर में आपने देखना ये होता है कि अगर फॉर्म आ गई है पहले, फॉर्म आ गई पहले तो मेरे बच्चों ने फिर यूज करना है विल शैल. फॉर्म आईएनजी वाली है फिर विल बी शैल. फिर बच्चों विल बी शैल भी. एक और बात याद रखना, बाज़ का कंडीशनल सेंटेंस में जो पहली कंडीशन है उसमें दो पार्ट्स होते हैं एक फिक्रे के. पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है और अगले हिस्से में विल शैल के साथ पहली फॉर्म यूज होती है. वहां भी फ्यूचर को इंडिकेशन किया जाता है. लिहाजा आपने याद रखना है अगर इफ कंडीशन हो, मीन इफ वाले सेंटेंस हो, एक हिस्से में एस ई एस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और दूसरे हिस्से में विल शैल. कभी कभी विल शैल शुरू में आ जाता है और पहली फॉर्म दूसरे हिस्से में आ जाती है. लेकिन उसके भी मैंने दो तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं. अब जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा यू मे रीड बाय, फिर एक दफा बता देता हूँ. ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा पहली फॉर्म यूज होती वर्ब की और विल शैल. पहली फॉर्म वर्ब की और विल शैल.
आईवी के साथ शायद बाकी सबके साथ है। फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमेशा याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूस में बेटा हमेशा आपने याद रखना है, रहा होगा रही होगी उधर, उधर से विल बी शैल बी और आईएनजी वाली फॉर्म, विल बी शैल बी और आईएनजी वाली फॉर्म क्या होता है मेरे बच्चों, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म और आईवी के साथ शैल बी बाकी सब के साथ, आईवी के साथ शैल बी बाकी सब के साथ विल बी। लेकिन एक बात आपने याद नहीं रखना, फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं पांच लोग, आपने हमेशा याद रखनी, इधर मैंने लिखे भी हैं, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, कमिंग टाइम, नेक्स्ट मंथ, ओके एंड द फ्यूचर इंडिकेशन, जितनी भी आए ये शो कर देती है। और इसके साथ जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके अंदर जो पहली कंडीशन है, जीरो नहीं, टू नहीं, थ्री नहीं, वन, फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन में इफ सेंटेंस के साथ जब फिक्रे के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में प्रेजेंट डेफिनेट यूज होता है फर्स्ट फॉर्म और अगले हिस्से में विल शैल के साथ पहली फॉर्म, और ये देखना ये होता है अगर तो आई वी आ जाए तो शैल आ जाता है, अदरवाइज हर जगह मिल जाता है, वो मैं प्रैक्टिस भी लिखी हुई है बताऊंगा तो आप सुने जाएंगे। अब मैं इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से पढ़ूंगा और इंडिकेशन भी बताऊंगा और आपने गौर करना है, आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, यू ऑल आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू ऑल आर फैंटास्टिक, फैबुलस, आउट ऑफ क्लास, सो होपफुली यू आर लिसनिंग विद मी वेरी केयरफुली एंड यू विल गिव अ हीड, एच डबल डी हीड में तवज्जो देना, मेडिटेट वेरी केयरफुली। अब मैं पहला सेंटेंस पढ़ूंगा, पहला लिखा है सेंटेंस, क्लर्क्स यानी क्लर्क डैश स्ट्राइक टुमारो, हाँ मेरे बच्चों टुमारो शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर, टुमारो शो कर रहा है, उधर भी मैंने लिखा है टुमारो शो कर रहा है मेरे बच्चों, इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को। अब देखिए इधर क्लर्क ब्लू कलर है, आई कोई नहीं है तो क्लियर हमें नजर आएगा हैपन टू यूज हो रही है, ये तो फ्यूचर में यूज होता ही, मेरी शैली के बगैर होता ही, फ्यूचर परफेक्ट में होता है, विल हैपन शैल हैपन यानी विल शैल है। इधर विल जो है गौर करने की जरूरत है, शैल और विल में से कोई होगा, विल यूज इससे नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, आईएनजी वाली बच्चों फॉर्म नहीं है, लिहाजा इन दोनों में से एक लगेगा, वो कैसे, मैंने कहा था आईवी के साथ विशेष शैल बाकी सब साथ में, तो लिहाजा ये बना है, लिहाजा मेरे बच्चों ये वाला आएगा, ये वाला, ये वाला है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस है शी डैश सिंगिंग सॉन्ग एट द स्टेज। अब मेरे बच्चों हमने देखा है इसके अंदर कि आईएनजी वाली फॉर्म में, आईएनजी वाली फॉर्म में मैंने बड़ी दफा बच्चों को बताया कि फ्यूचर में विल बी शैल बी यूज होगा, अब आईएनजी की वजह से बाकी सारे छोड़ दे, एक ही जगह पे विल बी है, एक ही जगह पे विल बी है और मेरे बच्चों वो विल बी होगा, और इंडिकेशन आईएनजी की वजह से होगा, इसकी वजह से होगा बच्चों, इसकी वजह आईएनजी की, क्योंकि इधर देखो मैंने लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूस में इंग फॉर्म है, इंग फॉर्म के साथ विल बी शैल बी ये देखो लिखा, विल बी और शैल बी ये देखो ये लिखा, विल बी और शैल बी, और आई बी के साथ विल बी शैल बी बाकी सब सब के साथ विल बी, तो इधर देखो शी आ गया तो शी के साथ ये विल बी लगेगा, ये देखो ना शी है ये तो शी के साथ विल बी लगेगा, तो इसलिए लिहाजा ये वाला लगा। तीसरा सेंटेंस उसके बाद मेरे बच्चों तीसरा सेंटेंस है इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश पास, देखो ये वाली बात मैंने बता दी है पहले भी, ये कंडीशनल सेंटेंस है, जो पहली कंडीशन होती है इफ कंडीशन, उसमें मेरे बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, अब दो पार्ट होते हैं ना,
दो पार्ट्स में एक में हमेशा आना होता है, पहली फॉर्म मीन प्रेजेंट डेफिनेट, उसके बाद अगली में आना होता है रिलेशन के साथ पहली फॉर्म। अब आप इधर गौर करें तो ये देखो, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट आ गया है, तो ही के साथ या तो विल आएगा या शैल आएगा, और आपको अच्छी तरह पता है ही के साथ शैल तो आई हुई के साथ लगता है, लिहाजा ही के साथ तो विल लगेगा, ही के साथ तो विल लगेगा, क्योंकि ये वाली चीज कंडीशनल सेंटेंस में है। मैं अपने बच्चों को कभी कंडीशनल सेंटेंस पे अलग लेक्चर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर उसको उलझाया नहीं जा सकता इसके अंदर, लेकिन सिर्फ चार कंडीशन है, चार में पहली कंडीशन के साथ विल शैल लगता है, अदरवाइज विल शैल नहीं लगता, या तो विल हैव लगता है शैल है, या वुड लगता है या शुड लगता है, लिहाजा वो पहली कंडीशन है। उसके बाद मेरे बच्चों चौथा सेंटेंस, आई डैश टू लंदन नेक्स्ट वीक, मैंने पहले भी बताया ये जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, ये इंडिकेट फ्यूचर को करता है, आने वाले वक्त। और मेरे बच्चों इधर आप और थोड़ा सा करें, आई डैश टू लंदन नेक्स्ट वीक, देखो वुड तो आई सकता, ये वाला तो कभी भी नहीं आ सकता, उसके बाद दूसरी फॉर्म कभी होती नहीं है फ्यूचर के अंदर, ये पास्ट में यूज होती है, लिहाजा इन दोनों में से एक लगेगा, या विल लगेगा या शैल लीव, लेकिन आई के साथ विशेष शैल, आई के साथ विल का क्या विल लगता है आई में, आई के साथ जब जरूरी बात होती है, जब वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, देन समटाइम्स बच्चों यूजिंग विल अदरवाइज शैल, क्योंकि ये मैंने पहले शुरू में बताया है बहुत दफा आपको कि आई वी के साथ विशेष शैल, शैल विल आई वी, और बाकी सब के साथ विल, बाकी सब के साथ विल लगता है। अब उसके बाद पांचवा सेंटेंस, ये वाला बता दूंगा, पांचवे सेंटेंस में मेरे बच्चों आई डैश हेल्प हिम इफ ही कम्स, अब देखो इधर जो है मीन पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके बाद में, इधर शुरू में आया था, ये देखो ऊपर एक मैंने सेंटेंस पढ़ा था पहले, जिसके अंदर मेरे बच्चों हमने देखा, ये देखो ये इफ वाले फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू में आ गया था, लेकिन इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में आया है, और आई के साथ मैंने बड़ी दफा बताया हमेशा है, आई वी के साथ हमेशा बच्चों शैल, और अगर ढूंढ लो शैल कहाँ आएगा, नहीं है शैल, ये ये शैल कभी भी विल भी नहीं आ सकता, क्योंकि विल भी आईएनजी के साथ लगता है, और पूरे सेंटेंस में आईएनजी कहीं वुड आता ही नहीं कभी, विल शैल के साथ पहली फॉर्म के साथ, और विल भी कभी भी नहीं आता, लिहाजा सर बच गया तो शैल बच गया। उसके बाद उम्मीद करता हूं हे माय डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, होपफुली यू आर गेटिंग, होपफुली यू पीपल आर गेटिंग। उसके बाद क्योंकि मैं बड़े आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज मैं इंग्लिश में ही बोल रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की है कि सर आवाज़ गूंजती है, और आवाज़ जब गूंजती है तो समझ मुश्किल लगती है, तो लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करने की कि कम से कम इंग्लिश बोलूँ। जब आप अगले महीने मिलेंगे फिर मैं अपना शौक पूरा कर लूँगा आपके साथ इंग्लिश बोलने वाला, अगर गलती से इंग्लिश बोली जाए तो ऑनेस्टली एट द बिहाफ ऑफ दैट आई एम सॉरी। सो नाउ वंस अगेन बैक टू द लेक्चर। अब मेरे बच्चों सेंटेंस नंबर 6, द फायरमैन डैश एट मिडनाइट, अब देखो ये इंडिकेट फ्यूचर को कर रहा है कि मिडनाइट को होगा, फायरमैन जो आतिशबाजी है वो रात को होगी। अब पहली फॉर्म है तो पहली फॉर्म में तो विल शैल आएगा, और शैल तो उस सूरत में आता है जब आई हुई हो, तो लिहाजा शैल का जो काम ही कोई नहीं, इधर सिर्फ काम है मेरे बच्चों तो काम है विल का, किसका काम है विल का, देखो ये देखो फाइव बटन विल स्टार्ट, ये बटन विल स्टार्ट, ठीक है ना, स्टार्ट्स को आई नहीं सकता इसमें, ये देखो
फाइबर स्टार्ट्स को हम फ्यूचर कर रहे हैं, अदरवाइज लग तो सकता है लेकिन हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। देखो इधर मैंने लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, लिहाजा भी बच्चों नहीं यूज होगा, विल स्टार्ट यूज होगा। अब ऑलमोस्ट हम सेकंड लास्ट सेंटेंस में आ गए, सातवें नंबर पे, आई डैश यू नेक्स्ट मंथ। अब देखो नेक्स्ट मंथ इंडिकेट कर रहा फ्यूचर को, मेट तो कभी आई के सेंटेंस का सेकंड फॉर्म, मेट तो कभी आई के सेंटेंस का सेकंड फॉर्म है। और देखो शैल मीट आ सकता है, आई के साथ शैल लगता है, विल मीट नहीं आ सकता, आई के साथ नहीं लगती, वुड तो आई नहीं सकता, लिहाजा ये होगी आई शैल मीट यू नेक्स्ट वीक। अब आखिरी सेंटेंस ये बच्चों, अगले हफ्ते मैं अपने बच्चों को फ्यूचर के अगले दो भी करवा दूंगा, और फिर फ्यूचर के चारों एक दिन, फिर प्रेजेंट के चारों, फिर पास्ट के चारों कट्ठे कट्ठे भी करवा दूंगा, कराता रहूंगा। उसके बाद मेरे बच्चों आठवां, एनिमल डैश ग्रेजिंग इन पार्क। अब एनिमल प्लूरल आई कोई नहीं है, तो आई कोई के साथ मैं पहले बता चुका हूं कि कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म है, आईएनजी में विल बी शैल लगेगा, तो लिहाजा ही शैल भी इसलिए नहीं लगेगा कि क्योंकि आई कोई के साथ लगता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों को समझ लगी होगी। एक बात का मैं यकीन दिलाता हूं आपको, ये मैंने दो कमाए हैं, अगले वीक में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कराऊंगा, फिर उसके बाद चार प्रेजेंट के, तीन चार पास्ट के, चार फ्यूचर, फिर बारह ही एक दिन कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें मैं एक्सरसाइज ज्यादा करवाऊंगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम, वंडरफुल टाइम, आई सी जा रहे हैं।